हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखना चाहिए या नहीं? शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और ऐसे में बहुत सारी मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जो आज तक व्रत रखती आई हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखना चाहिए, या फिर कौन सी तिमाही है जिसमें हम व्रत रख सकते हैं, या कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें व्रत रखा जा सकता है और कब व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि, जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में माता का व्रत रखना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं और उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हैं, किसी को हाई बीपी की समस्या है, किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या है, या उनको कोई और भी प्रॉब्लम है, तो उनको बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, तभी आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन व्रत रखते हुए भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी तिमाही में व्रत रखना सेफ होता है और कौन सी तिमाही में व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहली तिमाही में आपको बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहली तिमाही बहुत ही मेन होती है। इस समय पर आपका शरीर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है, आपका बेबी का पूरा बॉडी डेवलपमेंट हो रहा होता है, शरीर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे अंग बन रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप व्रत रखती हैं और आप और कमजोरी महसूस करती हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट में कमी आ सकती है, क्योंकि व्रत रखने से कहीं ना कहीं आप अपना मील स्किप करेंगी, आप अपना खाना स्किप करेंगी, तो ऐसे में आपको पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो आप पहली तिमाही में अवॉइड करें व्रत रखना। दूसरा, आपको कब व्रत नहीं रखना है? जब आपका डिलीवरी का समय हो। ऐसे समय में भी आपको कोशिश करें कि व्रत ना रखें। पहली तिमाही और डिलीवरी के समय में आप को व्रत रखने से बचना चाहिए। दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही का जो स्टार्टिंग होता है, तब अगर आपको बिल्कुल मन है रखने का, तब आप व्रत रख सकती हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? व्रत के दौरान आपको भूखा नहीं रहना है, समय समय पर थोड़ा थोड़ा खाते रहें, तला भुना मसालेदार कोई भी चीज़ नहीं खानी है, बहुत अधिक चीनी का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा मीठा प्रेगनेंसी के दौरान नुकसान कर दे सकता है, क्योंकि मीठे का सेवन करने से आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो वेट बढ़ने के कारण आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं, और वेट तेज़ी से इंक्रीज होने के कारण बॉडी में बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज होने लगती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन नहीं करना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, पानी की कमी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, व्रत में आप कम खाते हैं कि सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, इसके कारण आपको प्यास भी कम लगती है, क्योंकि अन्न खाते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है। लेकिन व्रत के दौरान भी अगर आपने व्रत रखा है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, और हर 2-3 घंटे बाद आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जिनको भी कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी भी, वो कोशिश करें कि वो व्रत रखने से बचें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी साबित होगी और आप लोग अपनी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।